कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर यूपी में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 10 जुलाई को रात 10 बजे से 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच नए रोगी मिलने की वजह से गाजीपुर शहर में कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनाने पड़े हैं। नवापुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कचहरी रोड को एक नया हॉटस्पॉट बना दिया गया। हालात ये हैं कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय भी हॉटस्पॉट एरिया में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मिश्र बाजार में पॉजिटिव मिलने के बाद किट से मोहल्ले के लोगों की जांच की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्या ने बताया कि शहर में जहां जहां मरीज मिले हैं वहां एम्बुलेंस भेजकर लोगों का सैंपलिंग लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए घर घर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को न भूलें। प्रदेश में अलग अलग जगहों से रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन को सख्त रहने को कहा गया है। ऐसे में गाजीपुर में दिखाई गई थोड़ी सी लापरवाही न केवल आपको बीमार होने के खतरे को बढ़ा सकती है बल्कि आपको प्रशासन के चक्कर में भी फंसा सकती है। कोरोना से बचाव के लिए आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनकर ही निकलें। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो सामने वाले शख्स से 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। खुद की और परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।